तो फाइनली अभी शिवानी घर आ चुकी है। कब से रास्ता देख रही चाची की? नायरा स्वागत में रुकी है। और मैंने बोली ना चाची के आंख पे से आज बासी रोटी उतारते है, तो फिर तू बासी रोटी उतार, मैं ताजी रोटी इसको खिलाऊंगी। तो छोटी सी रोटी बनाई है मेरे हाथ से, चाची को खिलाऊंगी मैं। फैमिली वेलकम टू तिलकपुर फैमिली ब्लॉग्स। और ये ब्लॉग है 7 तारीख का ना, 7 तारीख का, जिस दिन शिवानी को डिस्चार्ज मिलने वाला था रात में। मतलब वो सुबह से इतना वेट कर रही मेरे सलाइन कब निकलेगी, इतनी एक्साइटेड थी ना, मतलब बता नहीं सकती। बस अभी निकल जाए बॉटल का, ये निकल जाए बस, अब मुझे बॉटल मत चढ़ाओ। मैं रो दी थी, मतलब 6 तारीख को तो रात में रो दी थी कि बस अम्मत करो, क्योंकि मेरे को पता नहीं एटलीस्ट 20 से ऊपर बॉटलें चढ़ी होगी मुझे शायद। हाँ, वो छोटी बड़ी मिला के। हाँ, इतना दुख रहा था यहाँ तक कि अभी भी मतलब वहाँ पे लाइनिंग हो चुकी है, इसमें शायद दिखेगा नहीं या दिखेगा, ये देखो ये। पर वो चीजें जरूरी थी, बहुत जरूरी थी। पर जो दर्द हो रहा था ना, क्योंकि वो क्लॉट जम रहा था खून का, तो क्लॉट भी इसलिए जम रहे थे क्योंकि जैसे सलाइन खत्म होने में आ गई, शिवानी बोलती है मुझे फ्रेश होकर आना है। जब भी फ्रेश होने गई रिटर्न आती, उतने में ना वो क्लॉट जम जाता था उसका, तो उसको फिर से वो इंजेक्शन से प्रेस कर करके आगे प्रेस करते थे। फिर वो जो वो नली जो रहती है, वो पूरी पाइप वगैरह जो भी बोलते हैं उसको, मेरे को पता नहीं उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, तो उसको ऐसा प्रेस करते थे वो लोग, ऐसा ऐसा मोड़ते थे, तो वो एकदम से झटका और मैं इतनी जोर से चिल्लाती थी। दोनों मम्मियों ने मेरी रात में जो हालत देखी ना, मम्मी मतलब यहाँ जो जलगांव वाली मम्मी है वो तो रात में मतलब ऐसे देख ही रही थी कि इसकी एक बॉटल से कहीं हाथ इधर उधर ना लगे, नींद ना खुले इसकी। वो मम्मी भी जगती रही, बार बार चेक करती रही और मैं रोई, तो फिर दोनों ऐसे समझाए बस शांत हो जा, ये लास्ट थे, अब नहीं लगाएंगे। और दोनों मम्मियों ने बोल दिया भाई इसके बाद इसको मत लगाना, कल लगाना। पर वो सर्जरी इतनी बड़ी थी तो ये सब चीजें तो लगना ठीक है, लगना ही थी, वो तो ऑप्शन ही नहीं उसको। उसके बाद करीबन 4:30 बजे इसकी लास्ट सलाइन निकली, और फिर शिवानी की मम्मी, मैं और शिवानी थे हॉस्पिटल में तब, तो शिवानी की मम्मी ने सब बैग पैक कर लिए, जाने की तैयारी कर ली। और फिर मुझे 5 बजे एक और बॉटल लगी थी, वो छोटी सी थी। हाँ, फिर करीबन 8:30-9 बजे हमने सब डिस्चार्ज की प्रोसीजर पूरी कंप्लीट कर ली। अखिली भैया और पापा भी आ गए थे कार लेके। फिर अब देखो उसके पेट में थे सब स्टिचेस, और उसको हमने हॉस्पिटल से यहाँ से तो लेकर आए नीचे, क्या वो लिफ्ट से नीचे तो लेकर आए, पर अब असली चीज थी यहाँ से घर पे लेके आना, और रास्ते में खड्डे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गाड़ी 10 के स्पीड में चलाई, मैंने 3 से 4 किलोमीटर घर था यहाँ से अपना हॉस्पिटल से, 10 के स्पीड में, मतलब इतना सा भी स्पीड ब्रेकर आया तो उसको तकलीफ होती थी। तो ऐसा 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 10 के स्पीड में चला के मैंने 15 से 20 मिनट पे घर पे पहुँचा, और फिर तब तक मम्मी बाकी सब लोग घर पे रेडी थे पूजा की थाली लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ ओके। शिवानी अभी घर पे आ रही थी, नायरा भी कब से वेट कर रही थी, पर आने में इतना 15-20 मिनट लग गए। और जो पहला झटका बैठा था ना गाड़ी पे, बोला बाप रे कैसे क्या लेके जाएंगे, पर धीरे धीरे भगवान का नाम लेके, और भैया आगे चल रहे थे, टू व्हीलर पे आगे चल रहे थे, और जो भी साइड से गाड़ी आ रही या पीछे से आ रही उनको आगे जाने दे रहे थे, और बता रहे थे यहाँ से खड्डा है, इधर से ले ऐसा। तो तब जाके हम लोग पहुंचे आराम से घर पे, और फिर अभी हम देखते हैं घर पे आके शिवानी का वेलकम नहीं बोल सकते ना ठीक है, पर शिवानी का वेलकम कैसे हुआ। तो अभी बज रहे शाम के 8:30, और आज फाइनली शिवानी को डिस्चार्ज मिल रहा है। नायरा का फोन आया, बोले चाची कब आ रही हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
और वो बर्थडे की तैयारी भी चालू कर दी उसने, शिवानी के बर्थडे की। आज रात 12 बजे शिवानी का बर्थडे है। जा चुप हो जा, चुप हो जा, तेरे को समझा रही है उसको, चुप हो जा बेबी, चुप हो जा। तो अभी बहुत लोग मिल के गए हैं, सबका कॉल भी आया शिवानी के लिए, और अभी बस आधे घंटे में हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज ले लेंगे और फिर घर पे जाएंगे। अभी जाके थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग हमने स्टार्ट की है क्योंकि शिवानी को अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा हम रिलैक्स हुए तो अभी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो फाइनली अभी शिवानी घर आ चुकी है। आना गाना गाओ। कौन सा? स्वागत हो। आराम से नायरा। कब से रास्ता देख रही चाची की। नायरा स्वागत में रुकी है। और मैंने बोली ना ना चाची की आंख पे से आज बासी रोटी उतारते हैं, तो फिर तू बासी रोटी उतार, मैं ताजी रोटी इसको खिलाऊंगी। तो फिर छोटी सी रोटी बनाई है मेरे हाथ से, चाची को खिलाऊंगी मैं, ऐसा इसके लिए बैठी। इधर आ जाओ। बालू आया। यार अरे बच्चे किसी बेल के लाई उसने, कब से लेके बैठी है यार। तेरा स्वागत सुबह से करने को बैठी थी। आराम आराम से करना। हैप्पी बर्थडे चाची। कल है ना, मतलब 12 बजे रात को। वो सही टाइम पे आयु शिवानी तो। हाँ कितनी समझदार हो गई नायरा तू। अच्छा अपने आप में कंट्रोल हो रही है कि कैसे कंट्रोल करूँ मैं अपने आप को। नायरा एक धीरे से पप्पी दे, धीरे से पप्पी दे देना। कब से वो ट्राई कर रही है बेचारी। वही ना। हां ना बच्चे क्या बोलती, मैं इधर ही बैठती हूं। कैसे कैसे नायरा चाची कैसी अच्छी है। सारा भी घूमड़ा। तो अभी बजे है रात के 12 बजते हैं ना, 11 तो भी बजते हैं बर्थडे पे। अभी किसका बर्थडे है? 12 बजे चाची का बर्थडे। चलो जाके सरप्राइज दे के। रेडी? हाँ। तो दोस्तों रेडी बोलना। दोस्तों रेडी हो। चलो चलो हम जाते हैं अभी चाची को बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। अच्छी के चल रहा हूँ। स्वीट चलते हो। चले हम। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। हाय दोस्तों। अभी अभी हम चाची तो जीप दम से हम चाची को विश करेंगे। दूर से ही बेटा नायरा, दूर ही रुकना। हैप्पी बर्थडे क्या बोली क्या बेटा क्या कल लाएंगे बेटा चाची कल लाएंगे केक कल अपन सेलिब्रेट चाची के हाथ से केक काटेंगे ना तो और चाची तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा आज का दिन। तो आज का व्लॉग हम लोग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। क्या कर रहे हो? ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।